देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लाल कुआं से है। आपको बताते चले, उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के दिए गए आदेश के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार के खिलाफ और अतिरिक्त हमलावर हो गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते पुतला फूंका तथा इस्तीफे की मांग की। यहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदु खत्ता सहित स्मारक चौराहे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की है। इधर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी ने कहा कि देहरादून के एक व्यक्ति की ओर से सही आवाज उठाने पर उस पर झूठे मुकदमे लगाकर उसे जेल भिजवा दिया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने एवं मुख्यमंत्री पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश का प्रदेशवासी स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इस केस की सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि किसी भी तरह से जांच प्रभावित ना हो तथा जब तक मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाता, तब तक कांग्रेस प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख रहे लाल कुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। कि जो हमारे उत्तराखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब 2016 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको झारखंड में प्रभारी के रूप में भेजा गया था, तो उस वक्त जब वहाँ पर सरकारें बन रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने मंत्री पद के लिए रिश्वत ली और उसका खुलासा भी हुआ और एक स्टिंग भी जारी हुआ था उसका। तो आज हाई कोर्ट ने उसको बड़ा संज्ञान में लिया है और उसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। और हम जो उनकी सीबीआई जांच, हम सीबीआई जांच कहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो अभी इस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री हैं, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमेशा वो जीरो टॉलरेंस की बात करते भारतीय जनता पार्टी की, आज उसकी पोल खुल गई है। आज उसी के विरोध में हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा कि उन्हें तुरंत सरकार से बर्खास्त किया जाए और उसी को लेकर के हमने यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदु खत्ता के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया। पक्ष में बोलता है कि हाईकोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन पहले जो स्ट्रिंग जारी हुआ था, उसका वीडियो जारी हुआ था, हम उस साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी उसमें पूर्ण रूप से दोषी हैं।